मॉर्निंग अदाब सत श्री अकाल नमस्ते सलाम वालेकुम, मैं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रिजवान अहमद ब्लॉग्स। सो गाइज आज है त्रिशिका कपिल पार्क की जो ओपनिंग है। यहाँ पर पार्क है चिल्ड्रन पार्क, उसका नाम लिखा गया है त्रिशिका कपिल पार्क। आज उसकी ओपनिंग है जिसमें आज हमारी विधायक जी आई हुई हैं और ये वो पार्क है। कपिल के नाम से रखा जाना है आपको, इनके बारे में बताना चाहूंगा। ये छोटी सी बिटिया हमारे शहर की, जिन्होंने हमारे शहर का नाम रोशन किया ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट में, इन्होंने तीजू रौतेली पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त किया। इनकी स्मृति में ये पार्क का नाम इसका पार्क रखा जाएगा। इसके लिए मैं अपने हमारे अध्यक्ष संजय वर्मा जी का हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। सर्वप्रथम मैं श्री संजय वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे विधायक महोदय का और समस्त सभासदगण साथ में चले जाएं। नगर पालिका के समस्त कर्मचारी का आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे विधायक महोदय का पुष्प गुच्छ परेड कर हम अनुरोध करेंगे। सभी सभासदगणों से अनुरोध है कि सम्मान कार्यक्रम पर यहाँ आने पसंद करेंगे। हमारे छोटे भाई त्रिवेंद्र साह जी भी यहाँ पर आपसे भी अनुरोध है। निक्को भाई आप ही प्लीज ले, टमटा जी आप ही, आप हम अनुरोध करूंगा वर्मा जी से कि हमारे विभक्त हमारे समाज से भी श्री घनश्याम जी बिज जी को माल्यार्पण करने का प्रयास करेंगे। मैं अपने छोटे भाई श्री मनोज तिवारी से अनुरोध करूंगा कि पंकज कपिल जी को माल्यार्पण करने का प्रयास करेंगे। प्रियंका सोनिका तो प्रियंका मैं अपनी छोटी बहन प्रियंका से अनुरोध करूंगा कि हमारी भाभी सोनिका बीज को माल्यार्पण करने का प्रयास करेंगे। अब मैं अपने अध्यक्ष संजय वर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि आगे कार्यक्रम के बारे में हमें बताने का प्रयास करेंगे। हमारे ताऊ जी पढ़ाली जी भी आ गए और मनीष शाह जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे ताऊ जी पढ़ाली जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। अंशा पढ़ाली जी, नीरज तिवारी जी भी हमारे बीच आए, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी स्थान ग्रहण करें। ताऊ जी के बारे में बता दूं, ताऊ जी भी 90 साल के हो गए, अंजाम सिंह जी से शायद मेरे साल बड़े ही होंगे, मगर बैडमिंटन के बहुत बड़े खिलाड़ी और आज भी 4 बजे नहा लेते हैं और 5:30 बजे बाजार आके सब्जी लेके चले जाते हैं। तो युवाओं के लिए हमके सबके लिए प्रेरणा स्रोत है दोनों ताऊ जी, दोनों ताऊ जी के ताली बजा के। धन्यवाद अनिश भाई, आज जहाँ हमारे लिए ये बड़े हर्ष का विषय है कि इस पार्क में चिल्ड्रन पार्क में आज हमारे देश की शान आन बान शान तिरंगा का अनावरण करने के लिए हमारे आज की मुख्य अतिथि हमारी लोकप्रिय और खुश दिल, मैं तो कायल हूँ आपकी हंसी का कि कोई व्यक्ति का काम हो या मत हो आप हंसते ही उसको खुश कर देती है। जोरदार तालियां हमारी मुख्य अतिथि सहिता जी के लिए और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से इस सामाजिक काम में के लिए आपने समय निकाला। मैं पूरे नगर पालिका परिवार की ओर से और पूरे शहर की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ। और इसी क्रम में ताऊ जी जिनका हमेशा हमें आशीर्वाद सामाजिक कामों में हमेशा मिला है,
आदरणीय घनश्याम सिंह बीर जी, मैं भी आपको आपका भी हमर भाई धीरज पटाली जी के पिताजी हैं, घनश्याम पटाली जी, और मेरे तो ताऊ जी हैं आप, और मेरे अनुरोध पे आप यहाँ पर आए, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और मैं हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने बड़े भाई जिन्होंने हमें समाज सेवा हो या राजनीति हो, एक चमकता हुआ सितारा इस समय एक समय भवाली में थे, जो सारे बच्चे इनसे ही सीखते थे, वो मेरे बड़े भाई हैं पंकज कपिल जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और उनके संग की धर्मपत्नी सोनिका बीर जी का भी और कपिल परिवार का यहां पर हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चिल्ड्रन पार्क आज आज धीरे धीरे इसे सवरने जा रहा है, और इसके लिए जहाँ नगर पालिका का सहयोग है वही हमारी सरकार का भी पूरा सहयोग इसको मिला है, मुझे कहने में कोई दोराय नहीं है, विधायक जी को शायद लगता हो कि सचिव वर्मा ऐसी बात नहीं करेगा, मगर मैं कहना चाहता हूं कि जहां हमने इस पार्क को बचाने के लिए प्रयास किए वही हमारी प्रदेश की सरकार ने, चाहे कोई भी सांसद रहे हो, कोई भी विधायक रहे हो, कोई भी मुख्यमंत्री रहे हो, इस पार्क को बनाने के लिए सरकार ने हमारा पूरा सहयोग किया। मैं यहाँ से अपनी सरकार का अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी धन्यवाद देता हूं, और अपने नगर विकास के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए का ओपन जिम यहां पर दिया, उस दिन विधायक जी नहीं आ पाई, मगर आज भी विधायक जी का पत्थर यहां पर लगा हुआ, विधायक जी देख सकते हैं, और विकास कार्यों में मैं एक खुले मन से कहता हूँ, मैंने हमेशा कहा है विधायक जी जब विधायक नहीं थी, जब विधायक थी चेयरमैन थी तब भी मैंने खुले मन से अपने शहर के लिए विकास के लिए हर जनप्रतिनिधि से, चाहे वो नारायण सिंह जटवाल जी विधायक हो, चाहे वो खड़क सिंह बोरा जी विधायक हो, जो हमारा विधायक है हमने कुछ उनको भेजा है, तो हमें अपने विधायक का आदर सत्कार करना चाहिए और अपनी मांग अपने विधायक के आगे रखनी चाहिए, चाहे जो भी विधायक हो सांसद हो। जिस तरह से आपने मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर चुना है, इसी तरह से आपने विधायक जी को भी जनप्रतिनिधि चुना है, इसी तरह से आपने एक मत से सांसद भी चुना है, तो विकास कार्यों में हमारा बेहतर तालमेल होना चाहिए। मैं विधायक जी से खुले मन से कहना चाहता हूँ कि आपको जहाँ पर भी नगर पालिका में विकास की जरूरत होगी, जहाँ पर हम दोनों मिलकर कर सकते हैं, तो मैं खुले मन से कहता हूँ कि विधायक जी अगर वहाँ पर 1 लाख रुपए देंगे तो पालिका अध्यक्ष के नाते मेरी 20,00,000 की हैसियत होगी, तो मैं 20,000 को वहाँ पर मैं भी देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर एक नगर पालिका बोर्ड ने एक नई पहल की, विधायक जी इस पार्क को जब बनाने जा रहे थे तो उसी बीच दुख की घटना हमारे बीच हुई, आप शायद प्रतिष्ठा के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, हमारे स्वर्गीय इस शहर को बसाने वाले, ये शहर आज बसा है तो स्वर्गीय ब्रजमोहन कपिल जी की देन पे बसा है, आज एक व्यक्ति जानता होगा कि इसको घर दिया है, जमीन दी है, वो किसी चेयरमैन ने दी है, तो स्वर्गीय ब्रजमोहन कपिल जी, और हमने बचपन में उनसे दूर से ही उनको देखा है, तब चेयरमैन के पास जाने में भी डर लगती है, हम केवल ब्रजमोहन कपिल जी के पास, मेरे साथ कई लोग कब जाते थे, जब जी पंद्रह में हमें फीस माफ करनी होती थी तो चेयरमैन साहब की मोहर होती थी, उनकी एक तीन की कुर्सी थी, और जितनी सादगी से ब्रजमोहन कपिल जी ने अपनी चेयरमैनी का कार्यकाल निभाया हुआ, मुझे लगता है 20 साल तो चेयरमैन रहे होंगे, 5 साल तो रहे, उसके बाद चुनाव नहीं हुए, तो चेयरमैन साहब के नाम पे अगर बच्चा बच्चा किसी को जानता था तो ब्रजमोहन कपिल जी को जानता था, तो हमने भी उनसे भी सीखने की कोशिश की, तो इसी कड़ी में जब इस पार्क की बात आई तो हमने बोर्ड से एक प्रस्ताव किया, इस पार्क को तथिष्ठा के नाम पे चिल्ड्रन लिखा हुआ था इसलिए इसका नाम तथिष्ठा पार्क के नाम से दिया, और इसी कड़ी में हमने एक सरोवर बनाया जो मोदी जी की विशेष नगर पालिका को लेकर विशेष रोग निर्देश होते थे कि आप ताल खाल पोखरे बनाइए, और मोदी जी इसको मन की बात में भी कह चुके हैं, पर हमें ये सौभाग्य मिला कि हमने एक पोखरा बनाया, और वो पोखरा खुदा न खास्ता मेरे सबसे प्रिय मेरे सबसे अजीज स्वर्गीय सतीशलाल शाह जी के घर के आ गया, तो हमने बोर्ड से उसका प्रस्ताव किया कि स्वर्गीय सतीशलाल शाह जी हमने सरोवर उसका नाम दिया गया। इसी तरह नगर पालिका ग्राउंड में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे उसको ठीक करें, क्योंकि दीदी आप भी बजट की स्थिति जानती हो, मैं भी बजट की स्थिति जानता हूँ, क्योंकि डिमांड लोगों की बहुत होती है मगर एक पैसा सीमित होता है, उसको धीरे धीरे आज हम उस फील्ड के चारों तरफ, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी अपनी ठीक करनी है, तो यूनिपोल उसके कोने कोने लगाने जा रहे हैं, उसके नीचे हम एक प्रेरणा दीवार बनाने जा रहे हैं जिसमें हम भवानी को ही सीमित रखा है, अभी मेरे पास पिछले दोनों खूपी से कोई आपके डॉक्टर बने हैं, कोई आर्या जी का बेटा है उसका बायोडाटा भी आया, तो हमने उसको भी फेसबुक में डाला है, उसके बारे में भी वहाँ पर करेंगे, तो यूनिपोल से कहीं ना कहीं पालिका की आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी, जहाँ उसका 10 फुट ऊपर उसके एड होगा उसके नीचे हमारी
जो हम दीवार बनाने जा रहे हैं उसके नीचे वो दीवार जाली में वो दीवार आ जाए, और कहीं ना कहीं वो फील्ड में जहाँ बॉलिंग गधेरे में जाती थी, जहाँ गधेरा गिरने वाला होता था, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका भी रुकाव होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस फील्ड को भी हम अपने शहर के आन बान शान जो एवरेस्ट को दो बार फतह कर चुके हैं और कई ऐसी चोटियां हैं जिसको वो फतह कर चुके हैं, वो भी हमारे बड़े भाई हैं सुबोध चंद्रा जी, एवरेस्ट नगर पालिका मैदान करने जा रहे हैं। और इन सब कार्यक्रमों को इसलिए मैं आपको बताऊंगा, सब में आपको रहना है विजय जी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह हमने अस्पताल में भी एक पार्क बनाया, क्योंकि अस्पताल में जब सबसे ज्यादा परेशान आदमी होता है तो उसको शांति की जरूरत होती है, और शांति कहीं मिल सकती तो पार्क से, कहीं नशे शुद्धता से ही मिल सकती है। उस पार्क को भी हम आप शायद उनको परिचित होंगी, मगर बहुत से लोग हमारे उनसे परिचित नहीं होंगे। जब हम बचपन में तो हम एक ही डॉक्टर का नाम जानते थे, डॉक्टर बी एल साजी, बसनलाल साजी, पसीलाल साजी के बेटे। तो हम उस पार्क को भी बी एल साजी के नाम पे करने जा रहे हैं। तो मैं अनुरोध विधायक जी से कहता हूँ कि चारों जो हम नाम करने जा रहे हैं इसका उद्घाटन आप ही करेंगे, और आज इसका आश्वासन भी आप मुझे दे के जाएंगे। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आप यहीं की पढ़ी हुई है, यहीं की लिखी हुई है, यहीं पर रहने वाली है, तो आप इनको अच्छी तरह से जानती है। शायद किसी को तो हमें बताना पड़ेगा बी एल साजी कौन है, सुबोध चंद्रा कौन है, कपिल लोग कौन है, सतीदाल साजी कौन है, ये आप सबसे भली भांति परिचित हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। तो सर्वप्रथम मैं विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि पहले झंडा हम फहराने, उसके बाद हम आगे बताएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 वंदे। अब मैं आगे ममता जी से अनुरोध करूंगा कि इस शाम को आप गाइज, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले अल्लाह हाफिज गाइज।